चंदौली में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कैंडिडेट रमेश जायसवाल पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अली नगर थाने के जफरपुरवा गांव में शाम 5 बजे जनसंपर्क का कार्यक्रम था। इस दौरान मुगलसराय से बीजेपी कैंडिडेट रमेश जायसवाल को भी शामिल होना था। बोरी गांव से जनसंपर्क करते हुए रमेश जायसवाल जफरपुरवा गांव पहुंचे थे। इस दौरान रमेश जायसवाल के काफिले पर कुछ युवकों ने झुंड में आकर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों हमलावरों ने बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया था। जायसवाल ने हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। रमेश जी, क्या है मामला? चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, हम लोगों को जफरपुर में आना था। तो जफरपुर जो ही मैं पहुंचा और गाड़ी मुझे टर्न करके इस विद्यालय इस कार्यक्रम स्थल पर मुझे आना था, और जो ही मैं वहाँ देखा कि वहाँ 4-5-6 लड़के खड़े थे, तो मैंने औपचारिक रूप से एक प्रत्याशी के नाते मैंने पूछा कि भाई क्या बात, सब ठीक ठाक तो है ना? आप, मैं तो समझ पा नहीं रहा था क्या मामला है। जब तक उनसे मैं पूछ रहा था तब तक उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ, जाओ छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जब मैंने गाड़ी घुमाया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इन लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उतने ही देर में अचानक 100-150 लड़के उधर से दौड़ते हुए झंडा लेके, डंडा राड़ वाड़ लेके दौड़ते हुए आए और हमारी गाड़ी को घेर लिए और गाली गलौज करने लगे और कहे मारो मारो मारो, इसको मारो, इसको मारो। तब तक वो मैं समझ ही पाता, तब तक मैं गाड़ी से बाहर निकला, हमारी गाड़ी पर भाड़ भाड़ लगे, सब मारने, पैर से, ईंटे से मारने लगे और राट से भी हमारी गाड़ी में लोगों ने मार दिया। उसके बाद मैं जो ही बाहर निकला, मैं कुछ पूछ पाता, समझ पाता, तब तक दो लड़के थे, उसमें काले रंग कपड़ा पहना हुआ था, उसने एक खड़ा राड मेरे ऊपर मारा और मैं मतलब भरते हुए इस तरह से गिरते हुए मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ा, बाल बाल बचा, तब तक दूसरा राड फिर उसने मार दिया मेरी तरफ, मैं दोबारा फिर बच गया, मैं बाल बाल बच गया। उसके बाद फिर गांव के लोग भी इधर से, जो लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी दौड़ने लगे। फिर मेरे साथ वाले जो लोग थे उनकी भी गाड़ी, सभी गाड़ियों पर पीट पाट के लगे, सब डंडा डंडा पटकने, भाड़ भाड़, वो लोग भी बाहर उतरने लगे। फिर उसके बाद वो मारते पीटते सब यहाँ से भागने लगे, गाली गलौज देते हुए। मैं बाल बाल बचा, मैं बहुत ही मतलब मेरे लिए ये एक अजीब सी घटना थी, मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। रमेश जी कौन लोग? वहीं हमले की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सपा के वर्करों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहां था, जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव, उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि DFCC कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपने संपूर्ण प्रयत्न करके DFCC कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया, ये उजड़ न पाए और ये अपने घरों में बसे रहे। इस लगाव से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का अपना संकल्प लिया, उसके निमित्त अंतिम मेरा कार्यक्रम था। मैं बौरी से प्रत्याशी पहले आए, मैं रंगोली से आया, मेरे दल के प्रत्याशी श्री रमेश जायसवाल पर एक कातिलाना हमला हुआ। मैं हमलावरों की इस कृति की कड़ी निंदा करते हुए मैंने तुरंत अभी SP से बात किया। मैं भारत निर्वाचन आयोग को भी अवगत करा रहा हूँ और इस पर कड़े कदम उठाने की, कानून के तहत कड़े कदम की मांग करता हूँ। और मुझे स्पष्ट लग रहा है कि चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जीत, और यहाँ तो खास करके पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को जीतते पा करके ये पिछड़ों के नाम पर दुकान चलाने वाले बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि सारे पिछड़े तो आज भाजपा के साथ हैं, तो मेरी दुकान क्या होगी, तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मैं बीजेपी कैंडिडेट पर हमला करने को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस कांड के पीछे की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। पंजाब केसरी TV के लिए चंदौली से प्रदीप की रिपोर्ट।